गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। और आज हम डिस्कस करेंगे 5 अक्टूबर के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। चलिए अपना सेशन हम स्टार्ट करते हैं। हु इज द फर्स्ट एशियन मैन टू बी नॉमिनेटेड फॉर इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम? इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में पहले एशियन मैन कौन हैं जो कि नॉमिनेट हुए हैं? तो मल्टीपल ग्रैंड स्लैम विनर हैं ये, लिंडर पेस। ये इमर्ज हुए हैं एज द फर्स्ट एशियन जिनको नॉमिनेट किया गया इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम के लिए इन द प्लेयर कैटेगरी। ठीक है, ये फिलहाल 50 साल के हैं और ये वन ऑफ द 6 नॉमिनीज हैं जो कि इस साल अनाउंस हुए हैं। और ये कम्पीट करेंगे कारा ब्लैक के साथ, एना इवानोविक के साथ, कार्लोस मोया, डेनियल नेस्टर एंड फ्लाविया पेनेटा के साथ इन द प्लेयर कैटेगरी। और ली ना की अगर हम बात करें, ली ना एक चाइनीज प्लेयर हैं और ये फर्स्ट एशियन प्लेयर है टू गेट नॉमिनेटेड टू दिस ITHF इन 2019। ओके, तो यहाँ पे आंसर है लिएंडर पेस। कुछ अवार्ड रिलेटेड करंट अफेयर्स यहाँ पे रिवाइज करते हैं। दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड वॉज रिसेंटली कन्फर्ड टू विच एक्टर? ये जो अवार्ड है ये आपके एग्जाम में डेफिनेटली पूछा जाता है, तो इसका नाम जरूर याद रखिएगा। और ये इस साल कन्फर किया गया है वेटरन बॉलीवुड एक्ट्रेस वहीदा रहमान जी को। ठीक है, और क्यों दिया गया? इनके आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए टू द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडियन सिनेमा। और ये बेसिकली 2021 का अवार्ड है जो अब दिया जा रहा है क्योंकि COVID-19 पैंडेमिक की वजह से ये डिले हो गया था। ठीक है, और कौन इसको कन्फर करता है? मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग का डायरेक्टोरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल। ठीक है, और इस अवार्ड को प्रेजेंट किया गया नेशनल फिल्म अवार्ड्स सेरेमनी पे। तो इंपॉर्टेंट बात सिर्फ क्या है कि ये अवार्ड इस साल किसको दिया गया? वहीदा रहमान को। स्वाति नायक हु वॉज इन द न्यूज हैज वन विच अवार्ड? स्वाति नायक को इस साल दिया गया है नॉर्मन ई बोरलॉग अवार्ड। ठीक है, और इसी के साथ स्वाति नायक जो हैं ये थर्ड इंडियन बन चुकी हैं जिनको ये अवार्ड दिया गया। वॉट इज द न्यू अवार्ड इंस्टीट्यूटेड टू ऑनर द साइंटिस्ट इन इंडिया? इंडिया के अंदर साइंटिस्ट को ऑनर करने के लिए राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार को लॉन्च किया गया है। विच स्टेट चीफ मिनिस्टर हैज बीन अवार्डेड द ली कुआन यू एक्सचेंज फेलोशिप? यहाँ पे आंसर है असम, और असम के चीफ मिनिस्टर हैं हेमंत बिस्व शर्मा, इनको ये फेलोशिप दी गई। विच इंस्टीट्यूशन अनाउंस्ड स्पेशल अवार्ड्स टू द आर्टिस्ट अबव 75 ईयर्स ऑफ एज? ऐसे आर्टिस्ट जिनकी एज 75 से ऊपर है उनके लिए स्पेशल अवार्ड अनाउंस किया गया है बाय संगीत नाटक एकेडमी। ठीक है, तो दो क्राइटेरिया इसके लिए रखे गए हैं। सबसे पहले तो ये कि वो जो पर्सन है उनको 75 प्लस होना चाहिए, और सेकेंड इन्होंने कंडीशन ये रखी है कि उन्हें किसी भी तरह का नेशनल अवार्ड नहीं अब तक मिला होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंस्टीट्यूशन हैज बीन रिसेंटली सिलेक्टेड बाय PFRDA एज द 11th फंड मैनेजर टू मैनेज रिटायरमेंट सेविंग्स अंडर NPS? तो कौन सा इंस्टीट्यूशन है जिसने हाल ही में पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी को सेलेक्ट किया है एज द 11th फंड मैनेजर जो कि मैनेज करेगा रिटायरमेंट सेविंग्स को अंडर नेशनल पेंशन सिस्टम? तो इन्होंने सेलेक्ट किया है DSP पेंशन फंड मैनेजर्स को एज द 11th फंड मैनेजर जिनको की परमिशन दी गई है टू मैनेज रिटायरमेंट सेविंग्स अंडर द नेशनल पेंशन सिस्टम। और जो PFRDA है ये जो रीजनल रूरल बैंक्स हैं उनको लुक आफ्टर करेगा ताकि वो इन्हांस कर सकें अपनी रीच को टू द सिटीजन्स अक्रॉस द कंट्री। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर है DSP पेंशन फंड मैनेजर। कुछ इंस्टीट्यूशंस रिवाइज करते हैं। विच इंस्टीट्यूशन रिलीज द रिपोर्ट टाइटल्ड एज मीथेन एमिशंस इन लाइफ स्टॉक एंड राइव सिस्टम? ये रिपोर्ट जारी करी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने जो कि यूनाइटेड नेशंस की बॉडी है और इसका हेडक्वार्टर्स है रोम इटली में। विच इंस्टीट्यूशन रिलीज द जेंडर गैप्स इन एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी एंड पब्लिक स्पेंडिंग इन नाइजीरिया रिपोर्ट? ये जो रिपोर्ट है ये जारी करी है वर्ल्ड बैंक ने हाल ही में, और इसमें इन्होंने ये बताया कि जो नाइजीरिया की इकॉनमी है वो एडिशनल $8.1 मिलियन हर साल अर्न कर सकती है अगर इनके जो जेंडर गैप्स हैं वो बंद हो जाएं इन द एग्रीकल्चरल सेक्टर। ठीक है, विच इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेज द साउथ साउथ नॉलेज शेयरिंग सीरीज? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा वर्ल्ड बैंक। और साउथ साउथ नॉलेज शेयरिंग सीरीज एक तरह की वर्चुअल कॉन्फ्रेंस है जिसको वर्ल्ड बैंक ऑर्गेनाइज करता है, और इस साल की थीम इन्होंने रखी है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर द इंडिया स्टोरी। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT मिस्टर राजीव चंद्रशेखर ने पार्टिसिपेट किया इस वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में, और यहाँ पे इन्होंने कुछ की एलिमेंट्स को हाईलाइट किया इंडिया के DPI इकोसिस्टम से रिलेटेड, लाइक आधार जिसकी हेल्प से जो गवर्नमेंट वेलफेयर प्रोग्राम्स हैं उनका एक्सेस फैसिलिटेट होता है, और UPI को भी इन्होंने प्रमोट किया जो कि एक फिनटेक लेयर है जिसकी हेल्प से फाइनेंशियल इंक्लूजन को इन्हेंस किया जाता है। राइट, तो ये जो है ऑर्गेनाइज किया वर्ल्ड बैंक ने।
विच इंस्टीट्यूशन हैज रेज्ड मोर देन 1,000 crore रुपीज वाया सोशल बॉन्ड? तो इसका आंसर है नाबार्ड, और नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट. इन्होंने इशू किया है अपना पहला रूपी डिनोमिनेटेड ट्रिपल ए रेटेड सोशल बॉन्ड, जिसकी टोटल साइज है 1,040.5 crore रुपीज. और ये जो बॉन्ड्स इशूड हैं, ये पहले प्राइवेट तौर पे इशू किए गए थे ताकि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को एलिजिबल किया जाए, जो कि लिस्टेड होंगे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे ऑन 29th of September. और जो फेस वैल्यू है हर बॉन्ड की वो 1 lakh रुपए तक है, और जो बेस इशू साइज है वो 1,000 crore रुपीज है. ये सारे टर्म्स आपको तभी समझ में आएंगे जब आपको थोड़ा सा इकोनॉमी के बारे में पता है. अदरवाइज सिंपली याद रखिएगा कि नाबार्ड ने 1,000 crore रुपए से भी ज्यादा रेज कर लिए हैं सोशल बॉन्ड्स का यूज करके. ठीक है, नेक्स्ट है, विच स्टेट इज एसोसिएटेड विद द मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास न्याय योजना? कौन सा स्टेट इस योजना से एसोसिएटेड है, आपको ये पूछा जा रहा है. तो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने हाल ही में अपने प्लान्स को रिवील किया है कि वो घर देना चाहते हैं 47,000 इम्पावरिश्ड इंडिविजुअल्स को जो कि रूरल एरियाज में रहते हैं, एज अ पार्ट ऑफ इनिशियल स्टेज ऑफ मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास न्याय योजना. और इस इनिशिएटिव को क्यों लिया गया है, क्योंकि जो इनका प्रधानमंत्री आवास योजना था 2021 में बुरी तरीके से फेल हो गया था, क्योंकि छत्तीस गवर्नमेंट जो है वो कंट्रीब्यूट नहीं कर पाई थी रिक्वायर्ड शेयर ऑफ फंड्स को. ठीक है, तो मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास न्याय योजना किस स्टेट की है? आंसर है छत्तीसगढ़. कुछ स्टेट्स देखते हैं जो आजकल चर्चे में हैं. पहला क्वेश्चन हम लोग आगे वीडियो के लेटर हाफ पार्ट में डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो यहाँ पे सिर्फ आंसर देखेंगे. विच स्टेट इज द होस्ट ऑफ द पितृपक्ष मेला इवेंट? इसका आंसर सिंपली है बिहार. विच स्टेट हैज साइन 2,000 crore रुपीज डील विथ रोपवे कंस्ट्रक्शन कंपनी पोमा ग्रुप इन लंदन? कौन सा स्टेट है जिसने 2,000 crore रुपए की डील को साइन किया है, किसके साथ? एक रोपवे कंस्ट्रक्शन कंपनी पोमा ग्रुप के साथ, कहाँ पे? लंदन में. तो हाल ही में उत्तराखंड गवर्नमेंट ने ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है, और स्टेट जो है वो इन्वेस्टमेंट को सिक्योर करेगा 2,000 crore रुपए का एज अ पार्ट ऑफ इट्स अपकमिंग ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो कि दिसंबर में होने वाली है. ठीक है, और पोमा ग्रुप इस स्टेट में कैसे एसोसिएटेड है? तो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में, लाइक इनका जो करंट इन्वॉल्वमेंट है, प्रोवाइडिंग टेक्निकल सपोर्ट फॉर देहरादून मसूरी रोपवे, और जो यमुनोत्री रोपवे प्रोजेक्ट हो रहा है उसमें भी ये इन्वॉल्व है. ठीक है, विच स्टेट हैज डिवाइज एन एक्शन प्लान टू कर्ब पैडी स्ट्रॉ बर्निंग? तो एज पर द पंजाब एक्शन प्लान टू कर्ब पैडी स्ट्रॉ बर्निंग, अब तक 31 lakh हेक्टेयर्स ऑफ लैंड इन द रीजन को डेडिकेट किया गया है पैडी कल्टिवेशन के लिए, और ये एंटिसिपेट किया गया है कि लगभग 16 मिलियन टन्स ऑफ पैडी स्ट्रॉ जो है वो यील्ड होगा, और ये जो है आप इफेक्टिवली हैंडल कर सकते हैं थ्रू इन सीतु टेक्निक्स एज वेल एज एक्स सीतु मेथड्स. ठीक है, विच स्टेट लॉन्च अ डेडिकेटेड टूरिज्म पॉलिसी 2023 एंड एम्स टू अट्रैक्ट 20,000 crore रुपीज इन्वेस्टमेंट इन नेक्स्ट 5 years? ये स्टेट है तमिलनाडु. तमिलनाडु गवर्नमेंट ने हाल ही में अपनी एक टूरिज्म पॉलिसी अनवील करी है, जिसमें ये अपने स्टेट को डेवलप करना चाहते हैं इनटू द मोस्ट अट्रैक्टिव एक्सपीरियंशियल डेस्टिनेशन इन एशिया, और अगले 5 सालों के अंदर अंदर स्टेट का एम है 20,000 crore इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना और स्किल डेवलपमेंट को फैसिलिटेट करना 3 lakh लोगों में. ठीक है, तो अगले 5 सालों के अंदर अंदर जो स्टेट है वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि टूरिज्म लगभग 12% से इंक्रीज कर जाएगा, और इसकी वजह से स्टेट GSDP बढ़ जाएगी एनुअली, और इसकी वजह से 25 lakh लोग ऐसे हैं जो कि एम्प्लॉयड हो जाएंगे. ठीक है, तो टूरिज्म पॉलिसी लॉन्च करी है तमिलनाडु ने. सिप्ला लॉन्च ड्रोन बेस्ड डिलीवरीज ऑफ इट्स क्रिटिकल मेडिसिन फॉर हॉस्पिटल्स इन विच इंडियन स्टेट? तो सिप्ला एक ड्रग मेकर कंपनी है, और इन्होंने लॉन्च किया ड्रोन बेस्ड डिलीवरीज क्रिटिकल मेडिसिन की हिमाचल प्रदेश के हॉस्पिटल्स में, और इन्होंने इसके लिए पार्टनरशिप करी है स्काई एयर मोबिलिटी के साथ. और ये जो मेडिसिन हैं इसमें कार्डियक रिस्पायरेटरी और अदर इसेंशियल क्रॉनिक थेरेपीज भी आती हैं, और जो ड्रोन्स का यूज़ है उससे ऑन टाइम डिलीवरी हो सकेगी कंपनी की मेडिसिन की केमिस्ट और क्लिनिक्स पे इन द रिमोट एरियाज, जिससे कि जो टेम्परेचर लिंक्ड इश्यूज हैं जो कोल्ड चेन प्रोडक्ट्स को अफेक्ट करते हैं वो भी कम रिस्क हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट है, विच इज द फर्स्ट क्रिकेट टीम टू स्कोर मोर देन 300 runs इन अ T20I? T20I में कौन सी पहली क्रिकेट टीम है जिसने 300 रन से ज़्यादा हाल ही में बना लिए हैं? तो ये है नेपाल कंट्री. नेपाल जो है पहली टीम हो चुकी है जिसने 300 रन से ज़्यादा बनाए हैं T20I में, क्योंकि इन्होंने बनाए हैं 314 रन किस कंट्री के अगेंस्ट? मंगोलिया के अगेंस्ट, कहाँ पे? एशियन गेम्स में. ठीक है, तो नेपाल के जो कुशल मल्ला हैं इन्होंने स्कोर किया है 137, और नॉट आउट थे ये 50 बॉल्स में, और इसमें जो है 12 सिक्सेस मारे हैं इन्होंने और 8 जो है चौके मारे हैं. और जो दीपेंद्र सिंह हैं इन्होंने 8 छक्के मारे थे सिर्फ 10 बॉल्स में, और इसी के साथ ये अनबीटन रहे 52 पे,
और ये जो है फास्टेस्ट 50 बनाने वाले इस फॉर्मेट में पहले खिलाड़ी हो चुके हैं, और इसी के साथ इन्होंने युवराज सिंह का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। ठीक है, तो याद रखिएगा नेपाल ने ये सारे रिकॉर्ड्स इसी मैच में बनाए हैं, और नेपाल पहली क्रिकेट टीम हो चुकी है जिसने 300 से ज़्यादा रन बनाए हैं किसी भी टी20 आई में। कुछ स्पोर्ट करंट अफेयर्स देखेंगे। विच कंट्री क्लिंच्ड द एशिया कप 2023 टाइटल इन क्रिकेट? ये क्वेश्चन हम बार बार रिपीटेडली देख रहे हैं क्योंकि एग्जाम में आने की संभावना है। इंडिया यहाँ पे आंसर है, और इन्होंने किसके अगेंस्ट बनाया? श्रीलंका। विच क्रिकेटर सरपास सचिन तेंदुलकर टू बिकम द ओपनर विद मोस्ट नंबर ऑफ सेंचुरीज? तो सचिन तेंदुलकर को सरपास करके अब डेविड वार्नर जो हैं ये सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ सेंचुरीज बनाने वाले ओपनर बन चुके हैं। विच कंट्रीज क्रिकेट बोर्ड अनाउंस्ड इक्वलाइज वुमेन्स मैच फीस विद मेन्स टीम? ये कंट्री कौन सी है? इंग्लैंड। हु बिकेम द फास्टेस्ट इंडियन क्रिकेटर टू क्लिंच 50 विकेट्स इन टी20 इंटरनेशनल? तो ये हैं कुलदीप यादव। विच इंडियन बिकम्स फिफ्थ हाईएस्ट रन स्कोरर इन इंटरनेशनल क्रिकेट आफ्टर सरपासिंग साउथ अफ्रीकाज जैक्विस कैलिस? तो यहाँ पे हैं विराट कोहली। ठीक है, नेक्स्ट है शीयान 6 विच एंटर्ड द इंडियन ओशन इज द रिसर्च वेसल ऑफ विच कंट्री? शीयान 6 किस कंट्री की रिसर्च वेसल है जो हाल ही में इंडियन ओशन में एंटर कर चुकी है? तो ये एक चाइनीज वेसल है, और हाल ही में ये एंटर हो चुकी है इंडियन ओशन में वाया द मलक्का स्ट्रेट कब 23rd ऑफ सितंबर को, और ये सिंगापुर में देखने को मिली हमें 14 सितंबर को जब इसने लीव किया था अपना होम पोर्ट जो कि है गुआंगजो 10 सितंबर को। ठीक है, तो श्रीलंका के मुताबिक इन्होंने परमिशन नहीं दी इस चाइनीज वेसल को क्योंकि इंडिया के जो सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं श्रीलंका के लिए, लेकिन कंट्री ने बाद में ये कहा कि अगर वेसल ने कंप्लाई किया होता स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स ऑफ श्रीलंका के साथ तो फिर कोई प्रॉब्लम श्रीलंका को नहीं होती। ठीक है, तो शीयान 6 किस कंट्री की रिसर्च वेसल है? आंसर है चाइना। कुछ इंटरनेशनल करंट अफेयर्स देखते हैं। एज पर अ न्यू रिपोर्ट मेड अलॉन्ग विद नीति आयोग विच स्टेट हैड द हाइएस्ट इलेक्ट्रिसिटी डिमांड इन द कंट्री इन जुलाई 2023? तो नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड है अगर हम जुलाई तक की बात करें तो। एचएस 748 एवरो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट वॉज अ लेगेसी एयरक्राफ्ट यूज बाई विच कंट्री? ये जो लेगेसी एयरक्राफ्ट है यूज करी है ये इंडिया ने। इंडिया एंड विच कंट्री इज सेट टू किक स्टार्ट अ 2-week वॉर गेम इन अलास्का? अलास्का में इंडिया और यूएसए जो है ये अपना 2 हफ्तों का वॉर गेम स्टार्ट कर रहे हैं। विच कंट्री इंट्रोड्यूस ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस? इसको स्टार्ट करने वाली कंट्री है इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट है नेहा ठाकुर हु सिक्योर्ड अ सिल्वर मेडल फॉर इंडिया एट एशियन गेम्स प्लेज विच स्पोर्ट? नेहा ठाकुर जिन्होंने हाल ही में सिल्वर मेडल जीता है एशियन गेम्स में ये कौन सा खेल खेलती हैं आपको ये बताना है। ये सिर्फ 17 ईयर्स ओल्ड हैं और ये इंडिया की सेलर हैं, और हाल ही में इन्होंने सिल्वर मेडल क्लिंच कर लिया है एट द एशियन गेम्स इन द ILCA4 डिंगी इवेंट। ठीक है, तो इसमें टोटल 11 रेसेस होती हैं और नेहा ने फिनिश किया विथ टोटल 32 पॉइंट्स। इनका नेट स्कोर था 27 जिसके बाद ये सेकेंड स्पॉट पे रही, और फर्स्ट इसमें कौन था? गोल्ड मेडलिस्ट नोपा सुरन जो कि थाईलैंड कंट्री को बिलोंग करती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सेलिंग, ये सेलिंग से एसोसिएटेड है। कुछ स्पोर्ट रिलेटेड करंट अफेयर्स देखेंगे। सुदीप्ति हजेला दिव्या कृति सिंह एंड हृदय छेड़ा एंड अनुष अग्रवल्ला आर एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट? तो ये चारों के चारों राइडर्स हैं और इनके जो हॉर्सेस हैं इन्होंने क्लिंच इंडिया का पहला गोल्ड मेडल इन इक्वेस्ट्रियन ड्रेसेज। ठीक है, तो इसी के साथ ये चर्चे में आ गए, याद रखिएगा ये इक्वेस्ट्रियन गेम से एसोसिएटेड हैं। दिव्यांश पवार रुद्रांश पाटिल एंड ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर हुवर इन द न्यूज प्लेज विच स्पोर्ट? ये सारे के सारे लोग शूटिंग से एसोसिएटेड हैं, क्या आप बता सकते हैं किस वजह से ये चर्चे में आए थे? अंतिम पंगल हु वॉज सीन इन द न्यूज प्ले विच स्पोर्ट? अंतिम पंगल एक रेसलर है और ये रेसलिंग से एसोसिएटेड है। नेशनल वेलफेयर फंड फॉर स्पोर्ट्स पर्सन इज नेम्ड आफ्टर विच लीडर? ये जो फंड है ये क्रिएट किया गया है आफ्टर पंडित दीनदयाल उपाध्याय। इला विनिल वलारिवन हु वॉज सीन इन द न्यूज प्ले विच स्पोर्ट? ये शूटिंग से रिलेटेड है, सबको बताना है कि ये कौन सी कंट्री के लिए खेलते हैं। नेक्स्ट है द RODTEP सपोर्ट स्कीम इनिशियली सेट टू एक्सपायर ऑन 30th ऑफ सितंबर 2023 हैज बीन एक्सटेंडेड टिल विच डेट? तो ये जो स्कीम है पहले ये एक्सपायर होने वाली थी 30th ऑफ सितंबर 2023 को, लेकिन अब ये एक्सटेंड कर दी गई है टिल 30th ऑफ जून 2024, जिसके बाद जो करंट रेट्स हैं एग्जिस्टिंग एक्सपोर्ट प्रोडक्ट के वो मेंटेन रहेंगे। और इसका एम क्या है इस एक्सटेंशन का कि जो भी एक्सपोर्टिंग सेक्टर है उसको एम्पावर किया जाए इन नेगोशिएटिंग मोर फेवरेबल एक्सपोर्ट एग्रीमेंट्स बिकॉज ऑफ करंट ग्लोबल कंडीशन। ठीक है, तो फिलहाल आपको ये याद रखना है कि ये जो स्कीम है ये एक्सटेंड कर दी गई है टिल 30th ऑफ जून 2024। अच्छा, इसका फुल फॉर्म क्या होता है?
रेमिशन ऑफ ड्यूटीज और टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट सपोर्ट स्कीम. ठीक है, चलिए यहाँ पे कुछ एक्सटेंशंस एक बार देख लेते हैं. अमित खरे हुज़ टेन्योर हैज़ बीन एक्सटेंडेड वॉज होल्डिंग विच पोजिशन. अमित खरे जैसा कि हम जानते हैं एडवाइजर हैं टू द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और हाल ही में इनका टेन्योर जो है वो बढ़ा दिया गया है. विच स्टेट हैज़ एक्सटेंडेड सोशल सिक्योरिटी टू द ट्रांसजेंडर कम्युनिटी थ्रू यूनिवर्सल पेंशन स्कीम. कौन सा स्टेट है जिसने सोशल सिक्योरिटी को एक्सटेंड किया है ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए यूनिवर्सल पेंशन स्कीम का यूज करते हुए? ये झारखंड स्टेट है. विच यूनियन मिनिस्ट्री एक्सटेंडेड द डेडलाइन फॉर इनेबलिंग आधार बेस्ड पेमेंट फॉर महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट वर्कर्स? ये मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट. डिजिटल हेल्थ इंसेंटिव स्कीम ऑफ आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन हैज बीन एक्सटेंडेड अंटिल. ये स्कीम एक्सटेंड हुई है टिल दिसंबर 2023. द स्मार्ट सिटीज मिशन हैज बीन एक्सटेंडेड फ्रॉम 2023 जून टू विच ईयर? आंसर हो जाएगा 2024. नेक्स्ट है, मिनिस्टर फॉर फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग इनॉग्रेटेड द रेनोवेटेड मरीन म्यूजियम एट विच सिटी. इन्होंने हाल ही में एक रेनोवेटेड मरीन म्यूजियम कौन सी सिटी में इनॉग्रेट किया है आपको ये बताना है. तो हमारे मिनिस्टर कौन है फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के? पुरुषोत्तम रूपाला. इन्होंने इनॉग्रेट किया एक नया रेनोवेटेड मरीन म्यूजियम एट फिशरी सर्वे ऑफ इंडिया विशाखापट्टनम में, और इसमें मोर देन 250 प्रिजर्व्ड स्पेसिमेंस को डिस्प्ले किया गया है. और ये जो सारे स्पेसिमेंस हैं जो इसमें डिस्प्ले किए गए हैं ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए प्रेजेंट किए जाएंगे, लाइक QR कोडिंग, जहाँ पे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी जस्ट एक क्लिक के साथ, और इसका यूज कर सकते हैं साइंस स्टूडेंट्स, रिसर्चर्स एंड जनरल पब्लिक. ठीक है, तो ये कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया? आंसर है विशाखापट्टनम. कुछ म्यूजियम रिलेटेड करंट अफेयर्स देखेंगे. वेयर इज द कल्चर कॉरिडोर G20 डिजिटल म्यूजियम लोकेटेड? ये जो है लाई करता है नई दिल्ली में. द फाउंडेशन स्टोन फॉर आइकॉनिक साइट म्यूजियम वॉज लेड इन विच इंडियन स्टेट? ये है तमिलनाडु में. लॉबरी म्यूजियम विच वॉज सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच कंट्री? लॉबरी म्यूजियम फ्रांस का है. वॉट इज द न्यू नेम ऑफ नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी? इसका नाम पलट के रख दिया गया है प्राइम मिनिस्टर्स म्यूजियम एंड लाइब्रेरी. ठीक है, वेन इज द इंटरनेशनल म्यूजियम डे सेलिब्रेटेड? इसको हर साल हम 18 मई को सेलिब्रेट करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइंटिस्ट एट IISER हैव पिन पॉइंटेड अ सर्कुलर RNA वायरस नोन एज वॉट? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च के साइंटिस्ट ने हाल ही में पिन पॉइंट किया है एक सर्कुलर RNA वायरस को, जिसको आप C-TRAN के नाम से जानते हैं. और इसके अलावा इन्होंने एक मॉलिक्यूल क्रिएट किया है जो कि केपेबल है वायरल ट्रांसक्रिप्शन को इम्पिट करने के लिए. तो बस सिंपली याद रखिएगा, इसका नाम है C-TRAN. ठीक है, और अब लास्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट इज द होस्ट ऑफ पितृपक्ष मेला इवेंट? तो ये जो पितृपक्ष मेला है ये बिहार में हुआ, और ये वर्ल्ड फेमस मेला है जो कि शुरू हो चुका है गया बिहार में, और मेन फंक्शन जो इसका था वो स्टार्ट हुआ है विष्णुपद टेम्पल में. ठीक है, तो बहुत सारे लोग कंट्री से भी और अब्रॉड से भी आए थे यहाँ पे प्रेयर्स को ऑफर करने के लिए फॉर डिपार्टेड सोल्स ऑन द बैंक्स ऑफ फाल्गू रिवर. तो याद रखिएगा, पितृपक्ष मेला इवेंट किस स्टेट का है? आंसर है बिहार. कुछ होस्ट एंड कॉन्फ्रेंसेज एक बार रिवाइज करते हैं. विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ द 19th एडिशन ऑफ एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास 2023? फर्स्ट ऑफ ऑल, एक्सरसाइज है इंडिया और USA के बीच की, और इस साल के लिए वेन्यू हमने रखा है USA को. विच कंट्री इज सेट टू होस्ट द AI सेफ्टी समिट? इसके लिए वेन्यू है UK. विच इंडियन सिटी इज द होस्ट ऑफ विंडर्जी इंडिया 2023 समिट? इसके लिए होस्ट रखा गया चेन्नई को. ठीक है, विच सिटी होस्टेड द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल समिट इन सेप्टेम्बर 2023? इसके लिए वेन्यू था न्यूयॉर्क. चेन्नई के बारे में एक चीज और याद रखिएगा कि हाल ही में एक नई रिपोर्ट रिवील हुई है जिसमें ये पता चला कि जो इंडिया में टर्टाइज होते हैं उनकी ट्रेडिंग बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है, और एक ग्लोबल नेटवर्क के तौर पे सामने आई जिसमें हमने ये देखा कि चेन्नई में सबसे ज्यादा ट्रैफिकिंग पाई गई टर्टाइज से रिलेटेड. ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि रिसेंट रिपोर्ट के मुताबिक कौन सी सिटी है जो सेंट्रल नोट पाई गई टर्टाइज की ट्रैफिकिंग में? तो आंसर हो जाएगा चेन्नई. ओके, तो ये थे हमारे आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स. आई होप कि आज आपने बहुत कुछ नया सीखा होगा, और पिछला भी हमने काफ़ी कुछ यहाँ पे रिवाइज कर लिया है. चलिए अब आपके क्विज पे चलेंगे, जहाँ पर आपको स्क्रीन पे 5 क्वेश्चंस दिखाई दे रहे होंगे. ये क्वेश्चंस ऑलरेडी हम पीछे कहीं ना कहीं डिस्कस कर चुके हैं, तो यहाँ पे अब आप वीडियो को पॉज करिए, हर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, और इसमें से आपको जितने भी आते हैं आप उनका जवाब कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं, और जो नहीं आते उसके लिए बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है. विथ टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर इंप्रूव करेगा, बस आपको कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहना है. सो दैट्स इट फॉर टुडे. आई होप यू हैव लाइक द सेशन. आज का सेशन आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में. साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है, या फिर सजेशन है, तो वो भी आप हमें बता सकते हैं. हमें जानकर खुशी होगी, और हम पूरी पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की. तो कल फिर हम मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ.
टिल देन स्टे ट्यून्ड. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू जीके टुडे. विद दिस मीनू सहस्रनाम साइनिंग ऑफ.